हेलो एवरीवन, आज है 14 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूको बैंक के बारे में। देखिए, यूको बैंक का शेयर अभी 14 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 9.5% की आज एक दमदार रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली है और उसका रीजन भी है क्यों ये रैली आई और इस रैली पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूको बैंक अभी 14 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और काफी बड़ी रैली यहाँ पर आई है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में शेयर में 5% का ग्रोथ है। अब देखिए, इससे पहले भी शेयर 14 रुपए तक पहुंचा था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअस गिरावट बनी थी और आज वाकई में बहुत बड़ी तेजी हमें यूको बैंक में देखने को मिली है। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में 4% की गिरावट भी है। कुछ खास एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिला, लेकिन आप खुद देख सकते हैं 21 रुपए के ऊपर शेयर था, कंटिन्यूस गिरावट आई और पेंडेमिक ने और ज्यादा इसको तोड़ के रखा था। 8.5 रुपए तक पहुंचा, बाद में फिर से तेजी आई, शेयर 15 रुपए के आसपास पहुंचा, फिर नीचे शेयर टूटा 10 रुपए पर, फिर तेजी आई, शेयर वापिस 15-16 रुपए तक पहुंच गया, फिर यहां पर गिरावट आई। अब फिर से यहां पर तेजी हमें देखने को मिल चुकी है। तो काफी अच्छी खासी तेजी और गिरावट यहाँ पर चल रही है, चूहे बिल्ली का खेल चला है। 3 साल में देखेंगे तो 54% की गिरावट है, 36 रुपए शेयर गिरकर नीचे ही आया है। बीच बीच में बड़ा बाउंस बैक किया भी, लेकिन उससे कई ज्यादा बड़ी गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई। 10 साल की बात करें तो पिछले 10 साल में यूको बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो भी कुछ खास अच्छा नहीं है। 87% की गिरावट है, 150 रुपए से शेयर टूट के नीचे आया। बीच बीच में कई ज्यादा बार इसने बाउंस बैक करने की कोशिश की, लेकिन फिर से शेयर टूट कर नीचे बिखर ही रहा था, टूट कर ये कई बार शेयर नीचे गिर ही रहा था। पहली चीज, सरकारी बैंक है ये, आपको बता दें कि यूको बैंक एक छोटा सा सरकारी बैंक है। ये मिड कैप शेयर है, 12,934 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। मिड कैप शेयर है, छोटा सा शेयर है, लेकिन मिड कैप शेयर है। एनएससी में देखने की कोशिश करें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। काफी बड़ी क्वांटिटीज में लोगों ने यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली करने का काम किया है। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर के पास बहुत बड़ी होल्डिंग है, 94.44% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईएस के पास 0.11% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 0.01% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 2.29% की होल्डिंग देखने को मिली है। और यहाँ पर प्रमोटर कौन है, सरकार है, गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 94.44% की होल्डिंग है। एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है, 4 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है और 28 जितने एफआईएस ने भी यहाँ पर पैसा लगाया है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी है, जिनके पास 2.28% की होल्डिंग देखने को मिली है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 2.91% के आसपास यहाँ पर है। तो देखिए, आज की जो गिरावट है उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यूको बैंक को प्राइवेटाइजेशन करने की बातचीत चल रही है और उसको उसी लिस्ट में डाला गया है। देखिए, सेंट्रल कीप्स टू स्पीड अप स्टेक सेल इन 4 PSU बैंक। देखिए, 4 पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट बैंक का सॉरी सरकारी बैंक है, उसको हिस्सा बेचने की बातचीत चल रही है और सरकार इसमें काफी तेजी से काम कर रही है कि जल्द से जल्द इन 4 बैंक को बेचकर, मतलब उसमें हिस्सा हिस्सा बेचकर सरकार पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है। अब इसमें से कौन सी बैंक है उसके अगर हम बारे में हम बात कर देखिए तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफिस हैज आस्क ऑफिशियल टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ ट्रिमिंग द गवर्नमेंट स्टेक इन एटलीस्ट 4 प्राइमरी स्टेक्स ओन बैंक विद द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो देखिए, ये सीधा पीएमओ से ये इंस्ट्रक्शन आया है कि भैया जल्दी से जल्दी कामकाज करिए और 4 बैंक को जल्दी से जल्दी स्टेक सेल करने की कोशिश कीजिए। अब इसमें कौन कौन सी बैंक है, तो देखिए सोर्स के द्वारा बताया गया, सोर्स सेड द 4 लेंडर्स आर पंजाब एंड सिंध बैंक, दूसरा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तीसरा है यूको बैंक और चौथा है आईडीबीआई बैंक। इन चारों बैंक में सरकार की मेजोरिटी होल्डिंग है। अब इन सबको बेचकर सरकार जो है वो प्राइवेट प्लेयर को लेकर आएंगे और प्राइवेट हाथों में इस कंपनी को दे देंगे, तो काफी बड़ी बात है। देखिए, सरकारी बैंक की अगर हम बात करने जाए तो सरकारी बैंक अपने ओरिजिनल वैल्यू से काफी कम प्राइस पर हमेशा ट्रेड होते रहते हैं, जबकि प्राइवेट बैंक जो होते हैं वो काफी अच्छे प्राइस पर ट्रेड होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सरकारी बैंक, सरकार अगर इसको बेचेगी तो शेयर में थोड़ी सी तेजी हमें देखने को मिलेगी और उसी के चलते शेयर में हमें थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिले पिछले कुछ दिनों से। न्यू दिल्ली वॉन्ट्स टू ओवरहॉल द बैंकिंग सेक्टर एंड इज ऑल्सो पुशिंग द प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक एंड अदर स्टेट रन कंपनीज टू हेल्प रेज फंड फॉर
बजटिंग स्पेंडिंग अमिड फॉल ऑफ टैक्स। तो देखिए टैक्स कलेक्शन में और जिस तरीके से इकोनॉमी टूट रही है तो सरकार को पैसों की जरूरत है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन बहुत ही कम हो रहा है और इकोनॉमी टूट के बिखर रही है। ऐसे सिचुएशन में सरकार को पैसा चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए, और सरकार कई सारी कंपनीज है, सरकारी कंपनी जिसको बेचने की कोशिश में लगी हुई है और इसको बेचने की कोशिश सरकार कर भी रही है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रोट अ लेटर टू द इंडियाज फाइनेंस मिनिस्ट्री अर्लियर दिस मंथ एंड आस्किंग टू द एक्सपेक्टेड द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन दिस लैंडेड करंट फाइनेंशियल ईयर। तो देखिए काफी जल्दी से तेजी का यहाँ पर कामकाज चल रहा है, और इससे कहीं ना कहीं जिन जिन कंपनियों का नाम है प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में उसको यहाँ पर फायदा हो सकता है। तो देखिए अगर हम बात करने जाए तो IDBI को प्राइवेट करने की बातचीत चल रही है, हालांकि ऑलरेडी LIC के हाथ में काफी बड़ी मेजोरिटी इनकी होल्डिंग है ही, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक, एक अगेन काफी फेमस बैंक है ये, और जिस तरीके का यूको बैंक ने अपनी जो बैलेंस शीट में प्रोग्रेस दिखाया है उसको देख के हाँ ये बात तय है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा रिस्पॉन्स इस बैंक को मिल सकता है, खास करके खरीदारी करने को लेकर। हालांकि डिविडेंड 2015 से इसने दिया नहीं है। यूको बैंक के बारे में अगर हम बात करने जाए तो यूको बैंक जो सिचुएशन है वो अभी काफी अच्छा, टेक्निकल रेटिंग काफी शानदार देखने को मिली है। उसके अलावा हालांकि 33% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 33% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 63% लोग बेचने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मेजोरिटी लोग यहाँ पर बेचने की बात जरूर कर रहे हैं। उसके अलावा जो अच्छी चीज मुझे यूको बैंक में लगी कि अगर इसको प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश करेंगे भी तो ज्यादा दिक्कत मुझे नहीं लगता कि आएगी खरीदार मिलने में, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में बैंक ने अपनी बैलेंस शीट के ऊपर काफी ज्यादा कामकाज किया है और बैंक ने अपनी बैलेंस शीट को काफी हद तक इम्प्रूव भी किया है। इससे पहले अगर हम देखेंगे पिछले साल की मैं बात करूँ तो 2019 में दिसंबर में 960 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था। इससे पहले भी 900 करोड़ तक का नुकसान हुआ था सितंबर 2019 के क्वार्टर में। जून 2019 में 600 करोड़ तक का इनको नुकसान हो चुका था। तो हर क्वार्टर में लॉस था, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर की मैं बात करूं मार्च 2020 और जून 2020 में तो बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। जून 2020 में 21 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है और मार्च 2020 में 16 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए अच्छी बात है, ये बैंक को प्रॉफिट हो रहा है और धीरे धीरे इनकी बैलेंस शीट जो है वो यहाँ से इम्प्रूव हुई है। और अगर प्राइवेट एजेंट होता है और किसी अच्छे और बड़े प्लेयर के अगर हाथ में जाती है ये बैंक, तो याद रखिए एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर ये साबित हो सकता है। लेकिन पूरा का पूरा जो सिचुएशन है वो डिपेंड करता है किसके हाथ में जाएगी ये। ग्रोस एनपीए भी में भी सुधार देखने को मिला है, 17 का जो ग्रोस एनपीए था वो 14 तक पहुंच चुका है। नेट एनपीए वही का वही है, 5 का नेट एनपीए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर काफी ज्यादा है, 94.44% की होल्डिंग प्रमोटर की है, और प्रमोटर मतलब सरकार है, सरकार बहुत सारी होल्डिंग यहाँ पर बेचेगी। FIS ने पिछले काफी वक्त में सिर्फ अपनी होल्डिंग को यहाँ पर गिराया ही है, 0.27% की होल्डिंग 0.12% है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी होल्डिंग को कट डाउन किया है, आप देखिए 3.10% की होल्डिंग 2.29% की होल्डिंग है, 0.02% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.01% है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में FIS और म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी के साथ होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके का सेबी का नया रूल निकल कर आया है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में खरीदारी करने की सलाह दी, मतलब फंड हाउसेस को बताया गया है कि 25% की होल्डिंग आपको मिड कैप में रखनी है, 25% की होल्डिंग आपको मिनिमम स्मॉल कैप में रखनी है। तो कहीं ना कहीं अगर यूको बैंक की हम बात करें तो ये जो यूको बैंक है वो एक मिड कैप शेयर है, तो डेफिनेटली फायदा है मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए आने वाले दिनों में, जबकि लार्ज कैप के लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक यहाँ पर साबित जरूर हो सकता है। तो छोटे बैंक छोटी कंपनी सबको यहाँ पर फायदा होने के चांसेस है, और जिस तरीके की अगर प्राइवेटाइजेशन इसका होता है और कोई बड़े प्लेयर के हाथ में अगर ये शेयर जाएगा तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फायदा होगा इनके शेयर होल्डर्स को। लेकिन सारी की सारी चीजें इफ और बट के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन हालांकि इस खबर के चलते जरूर यूको बैंक में तेजी बनी है और हो सकता है कि ये जो तेजी है वो और 1-2 दिन कंटिन्यू रह सकती है, उसके बाद शेयर जो है वो थोड़ा फ्लैट रेट करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अगेन मैं कहूँ शॉर्ट टर्म की तेजी यहाँ पर आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी से कहना मुश्किल है कि शेयर बहुत तेजी दिखाएगा, क्योंकि कौन खरीदेगा वो सबसे बड़ा सवाल है, किसको जाएगा वो सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि खरीदारी की है तो बने रहे, और फ्रेश बाइंग करना चाहो तो एक छोटी सी क्वांटिटी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। प्लीज ऐसा मत करना कि जल्दबाजी में आकर 10-20 हजार शेयर खरीद लो, ऐसी गलती मत करो यार, प्लीज मत करो। छोटी क्वांटिटी खरीदो अभी के तौर पर, टेस्ट आउट करो, देखो किस तरीके में शेयर की मूव कर रहा है। ज्यादा बड़ी क्वांटिटी लालच में आकर फंसाने की जरूरत नहीं है अभी यहाँ पर,
मैं मानता हूं कि प्राइवेटाइजेशन की जो खबर है वो एक पॉजिटिव खबर है बैंक के लिए, लेकिन कौन खरीदेगा, कितना टाइम लगेगा, वो कहना अभी से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो बेटर है कि छोटा अमाउंट आप लगाए, ज्यादा बड़ा अमाउंट ना लगाए, और छोटी क्वांटिटी में ही निवेश करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा यहाँ पर। लेकिन और एक चीज याद रख के खरीदारी करना कि यहाँ पर आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं छोटी क्वांटिटी में भी, तो पहले से 20 शेयर खरीदो, वेट करो, गिरावट आए थोड़ी क्वांटिटी ऐड करो, इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करें। लेकिन बहुत बड़ा निवेश मत करें, और बहुत बड़ा और छोटा निवेश भी करें तो एक साथ बहुत बड़ा निवेश भी आप मत करें तो बेहतर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। यूको बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।